हेलो एवरीवन, मेरे ग्रीन लाइव चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और जो ये आज की वीडियो है ये बहुत ही कुछ खास है। और आजकल देखो बरसात हो रही है, जैसे बारिश हो रही है लगातार, तो हम इसका बहुत ही फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि जितने हमारे ये महंगे प्लांट होते हैं तो ये कटिंग से नहीं होते और ना ही ये बीज से होते, तो इतने बहुत सारे प्लांट हैं, तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो कैसे प्लांट तैयार कर सकते हैं उनमें से। जो आज की वीडियो है ये थोड़ा सा बड़ी हो सकती है, तो ये क्योंकि बड़ी वो इसलिए होगी क्योंकि मुझे ये प्लांट लगा के भी दिखाना है, एक प्लांट इनमें से तो डिवाइड करके दिखाना है कि इसको कैसे लगाते हैं, पूरा प्रोसेस बताऊंगी और कैसी सोयल हम इसकी तैयार करेंगे तो ये पूरा बताऊंगी, तो इसलिए ये थोड़ी सी ये बड़ी हो सकती है। प्लीज़ बिना स्किप करें देखें पूरी हमारे यहाँ। दो दिन से तो बारिश नहीं थी ऋषिकेश में और आज फिर बारिश आ गई है। अभी सुबह सुबह देखें, अभी 8 बजे है और 8 बजे बारिश आ गई है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ ये इतना कीमती प्लांट होता है हमारा, तो ये कटिंग से तो नहीं तैयार होता, तो अगर कोशिश भी करते हैं बहुत मुश्किल से होता, वैसे होता ही नहीं है। इसमें बहुत खूबसूरत से ये एक प्लांट अगर हम ले आते हैं नर्सरी से खरीद के तो फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें देखिए कितने सारी ये बेबी प्लांट है, तो इसके हम बेबी प्लांट ले सकते हैं और इनको अलग बना सकते हैं। तो कितने लोग तो ये महंगे प्लांट ले आते हैं और फिर सेल करते हैं, तो इनको क्या करते हैं, इनको बिल्कुल मिट्टी से बाहर कर दो और तब इनको डिवाइड करो। जैसे बरसात है इस समय हम ये वाला काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये देखो ये जैसे ये हैं, इसमें काफ़ी सारे हैं मेरे, वैसे तो मुझे ये घना बहुत ही पसंद है, भूसी पसंद है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, तो मैं भी इसके करूँगी क्योंकि ये बहुत कॉस्टली प्लांट होता है। तो हम इससे देखो ये बेबी प्लांट ले सकते हैं और मिट्टी से बाहर करके धीरे से इसकी मिट्टी हटा के, और एक प्लांट या दो प्लांट जितनी ज़रूरत है उतना हम ले सकते हैं। और एक मेरा ये वाला है एग्लोनीमा, ये पिंक कलर का, तो इसमें भी बन गया है, इसमें भी बेबी प्लांट, तो मैं इससे भी ले सकती हूँ। और ये देखिए ये तो एग्लोनीमा हो गया, और एक ये जीजी प्लांट होता है, जीजी प्लांट मतलब जेड जेड, तो इसका ये तो शॉर्ट फॉर्म है, तो जैनजीर भी इसको बोलते हैं। तो ये देखो इसमें भी बहुत सारी, ये भी बहुत कॉस्टली होता है, और इसकी ग्रीन ग्रीन पत्तियाँ, और कितना ये शुभ माना जाता है घर में रखते हैं तो इसको। तो ये देखो इसमें भी कितने सारे ये बेबी प्लांट आपको दिख रहे होंगे नीचे से, तो इनको भी ऐसे ही डिवाइड करना है पूरा गमले से बाहर करके, तभी आराम से करें उसको मिट्टी इसकी निकाल के, तो तभी ये सही रहता है। नहीं तो अगर हम ऐसे खींचेंगे तो ये ऐसे क्या होता है, टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, तो इसमें ख़राब होने का डर रहता है, इसको निकाल के ही करें तो ये भी बहुत अच्छा होता है, इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। और एक देखिए हमारे ये सेंसिव एरिया होता है, तो ये छोटे वाले भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, इसमें कई तरह के आते हैं, तो ये मेरे छोटे छोटे पफ्स हैं, तो इसमें भी देखो बेबी प्लांट होते हैं, तो हम इनको भी ले सकते हैं, इसमें भी होते हैं। तो ये देखो इसमें कई सारे हैं, ये दोनों कलर के हैं मेरे पास, वेरिएड, और ये वाला भी है और ये भी है, ये दोनों कलर के हैं, ये छोटे छोटे। ये देखो इसमें ये एक बेबी इधर निकल आया, और इसमें भी कई सारे बेबी ये निकल आते हैं, ये देखो एक इधर निकला है, तो इनको भी हम ऐसे ही अलग कर देते हैं। और इनको बहुत बड़ा इनको जो है ये गमला नहीं देना, तो छोटा सा देना, मेरा तो ये छोटे से डिब्बे में है, तो मैं अब इसको अलग कर दूँगी, एक इसे अच्छा सा दूँगी छोटा सा गमला, तो इसे जैसे इसे छोटा सा दे रखा है तो ऐसे ही मैं इसको देने वाली हूँ, तो मैं भी इसको अलग करने वाली हूँ। और एक जैसे ये होते ये देखो ये भी बहुत अच्छे होते, तो ये देखने में देखो कितने खूबसूरत लगते हैं। तो ये देखो ये हबोर्थिया वैरायटी के होते हैं, और इसमें भी छोटे छोटे बेबीज होते हैं, देखो एक इधर है और एक इधर है, मैंने पहले भी इसको अलग किया है, मैं एक ही लाई थी, तो पहले ये भी बहुत महंगे पड़ते हैं, तो ये एक बेबीज इसमें ये है और एक इसकी बगल में नीचे ये है, तो मैं इसको भी जो है अलग कर दूंगी और दूसरे में लगाऊंगी। और इसको भी बहुत छोटा ही चाहिए, इसको ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि जितना बड़ा प्लांट है हमारे उसी हिसाब से हमारा पॉट होना चाहिए। तो ये देखो ये भी कितना खूबसूरत है, इसको भी मैं अलग करूंगी और इसको भी, तो ये हम बड़े आराम से अलग कर सकते हैं। और ये जो हमारे होते हैं ये देखो ये वाला मैं दिखाती हूँ, पहले इसको दिखाती हूँ, ये फर्न है, फॉक्सटेल, ये फॉक्सटेल है, तो फॉक्सटेल जो होती है ये भी ग्रीन बहुत ही खूबसूरत लगती है, देखो ये बरसात में कितनी ग्रीन कितनी खूबसूरत लग रही, इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी नीचे से निकाल के जड़ों से पूरा गमले से निकाल के, और ये काम अब इस समय बरसात में कर सकते हैं, इसको भी हम निकाल के इसको जितना हमें फर्न अलग करना है तो इनके बेबीज भी अलग कर सकते हैं। ये भी महंगे पड़ते हैं ये प्लांट सारे,
और एक ये वाला है, ये है फर्न, देखो ये वेस्टर्न फर्न है, तो ये भी बड़ा खूबसूरत लगता है, ये देखो। तो इसके भी ऐसे होते हैं कि इसमें से ये फर्न निकलते हैं, ये तो जैसे देखो ये निकल रहा है, ये निकलते हैं जगह जगह, बहुत सारे निकलते हैं इसमें से। तो हम इसको भी मिट्टी से निकाल के बड़े आराम से इसको अलग कर सकते हैं, तो ये भी बहुत खूबसूरत लगता है, ये देखो। अगर हम मार्केट से लेने जाते हैं तो ये 100 रुपये से कम नहीं मिलता हमारे यहाँ तो। और ये हमारा ये ड्रेसिना है, ये देखो, ये मेरा लंबी लिप्स का, मुझे बहुत पसंद आता है ये ग्रीन पत्तियाँ और वाइट पत्तियाँ, इसमें ये मुझे बहुत ही पसंद आती है। तो इसमें भी देखो ये बेबीज निकलते हैं, इसको भी काट के तो कटिंग करके नहीं लगाया जाता। इसमें देखिए ये एक बेबीज इसमें बन चुका है, इसको भी मिट्टी से बाहर करके इसको भी हम निकाल सकते हैं। और मेरा एक सेंसिवेरिया का देखो ये भी है, एक ये है, मेरे पास तीन तरह के हैं ये, एक ये है और एक ये है, ये थोड़ा वाइट में है और लाइट कलर है, और ये थोड़ा अलग है, तीनों अलग अलग हैं, इनके नाम भी अलग अलग होते हैं। ये देखो ये भी काफ़ी सुंदर लगता है, ये तो ऑक्सीजन प्लांट माना जाता है, ये देखो कितना खूबसूरत है। और ये भी खूबसूरत सी मैंने इसमें रखा है, देखो तो ये पॉट में तो कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखो इसमें तो बहुत सारे निकले हैं, तो इसमें तो पता ही नहीं लग रहा कहीं को, ये देखो। तो इसमें भी इसको भी मैं अलग करने वाली हूँ। और ये हमारा होता है स्पाइडर होता है, स्पाइडर में से भी दोनों तरफ से होता है, इसमें रनर भी निकलते हैं। और ये भी छोटे छोटे एक ही प्लांट लगाता है, इसमें देखो तीन बेबीज निकल गए हैं, एक इधर कई सारे निकल गए हैं इसमें भी। इसको भी हम अलग करके इसको तो बड़े आराम से लगाया जा सकता है। और ये देखिए एक ये बड़ा खूबसूरत सा प्लांट होता है, और इसकी लीफ देखो एक बड़ी सुंदर लगती है, तो ये फिलेडेंड्रोन की वैरायटी है, तो ये भी बहुत खूबसूरत है। मेरे पास दो हैं, ये एक ये है लंबी लीफ वाला, ये भी मुझे बहुत ही पसंद है। तो इसमें भी बेबी प्लांट होते हैं, तो ये भी देखो कटिंग से नहीं लगाया जाता इनको, तो मैंने तो नहीं लगाया, तो मैं दिखा दूँ, इसमें भी बेबी प्लांट होते हैं। ये देखो नीचे से, ये देखो ये छोटा सा दिख रहा होगा, ये यहाँ पे ये इसका बेबी प्लांट है, ये यहाँ पे ये वाला, तो इसको भी हम डिवाइड करके लगा सकते हैं। और एक मेरे पास ये कैलेडियम का भी है, मेरे पास दो हैं, एक पिंक है और एक ये, एक को मैंने बास्केट में लगाया हुआ है, तो इसके भी बेबीज निकलते हैं। ये देखो इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, ये भी काफ़ी कॉस्टली प्लांट होता है। ये देखो इसमें ये बेबीज है, ये अलग है, और ये मैंने इसका एक बेबी लगाया था, इसमें देखो इसने ये बेबीज निकालने शुरू कर दिए, तो ये भी कॉस्टली होते, इनको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, इनके बेबी ले सकते हैं। और एक देखो ये होता है एलोवेरा का, ये तो काफ़ी यूज भी आने वाला होता है, तो ये हम कटिंग से नहीं लगा सकते या लीफ नहीं लगा सकते, इसके भी ये बेबीज ही निकलते। तो ये देखो मैंने ये लगाने के लिए, इसके तो मैं बहुत सारे और भी लगाने वाली हूँ, क्योंकि मैं इसको यूज भी करती हूँ खाने में भी, तो जूस लेती हूँ मैं इसका, दर्द के लिए बहुत काम आता, कई सारी बीमारी के लिए मैंने इसमें वीडियो भी बनाई है, तो ये बहुत काम की है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कई सारी बीमारियों के लिए है, आप देख सकते हो मेरी बड़ी वीडियो। तो ये देखो ये भी जो है ये भी बेबी निकालता है, तो हम इसको डिवाइड करके लगा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कितने सारे है, ये ज़्यादातर कॉस्टली प्लांट होते हैं हमारे, तो हम इसके जो बेबी होते हैं तो उनसे हम नई न्यू प्लांट बना सकते हैं, ये बहुत सारे प्लांट हम तैयार कर सकते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं ऐसे जो बेबी प्लांट जिनके निकलते हैं, तो जो बेबीज बनाते हैं तो पप से बनते हैं कुछ, ये बेबीज बनाते हैं और तो इसके तो ये पप्स निकलते हैं, ये भी तो ये भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सारे मेरे पास और भी प्लांट हैं, आप देखो ये बारिश आनी शुरू हो गई है, तो इसलिए मैं उधर नहीं जा रही, नहीं तो और भी प्लांट मैं आपको दिखाने वाली थी। तो ये देखिए, तो इस बारिश का फ़ायदा आप उठा सकते हो, तो जितने हम प्लांट हमारे पास ही हैं, ये बरसात में ये वाले काम क्या होते हैं, ये बरसात में ही होते हैं, ये प्लांट को अलग करना, एक बड़े प्लांट से छोटे प्लांट को लेना, ये बरसात में ही होता है और बहुत ईजी होता है, बड़े संभाल के करना है बस आपको थोड़ा सा, तो ये बड़े आराम से हो जाता है। तो मैं भी करने वाली हूँ और एक प्लांट में दिखाने वाली हूँ मैं कौन सा प्लांट करूँगी। देखिए ये पीस लिली का है, ये कितना सुंदर प्लांट होता है, तो इसकी लिप देखो और इसमें ये वाइट कलर का फूल होता है, तो ये ग्रीन हो चुका है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इसे, 1.5-2 महीना हो गए, तो ये अब ग्रीन हो चुका है, तो इसमें भी बेबीज ये भी प्रोड्यूस करता है, ये भी बेबी प्रोड्यूस करता है, तो इनके भी हम बेबीज ले सकते हैं। ये देखो मैंने
जितने भी ये प्लांट दिखाए हैं ये सब इंडोर प्लांट ही है, आउटडोर इसमें बहुत कम एक दो है। और इनकी मैं पानी की बात करूँ तो पानी इसमें देखो ये इस तरह का है इसका सोयल, तो ये बहुत अच्छा होता है इस तरह का जो मैंने बताया है आपको। तो इसमें अगर नमी है तो इसको नहीं देना है, और जब इसकी नमी सूख जाती है नीचे देख लेते हैं थोड़ा सा, तो नीचे तक अगर देखो सूख जाती है, अब इसमें मैं अभी नहीं दूंगी इसको, कल परसों को ही दूंगी, तो भी अभी एकदम ये सूखा नहीं है, इसमें हल्की सी नमी भी है तब भी ये अच्छे चलते हैं। क्योंकि ये प्लांट क्या होता है ज़्यादातर ये पानी से ही मरते हैं, अगर हम इसे ज़्यादा पानी दे देते तभी ये मरते हैं, वैसे नहीं मरते, वैसे ही हमारे गार्डन में बने रहते। तो देख लीजिए मेरे सारे बने हुए हैं, तो मैं यही काम करती हूँ जो मैंने आपको बताया है। और अगर फंगस की बात करें तो इन पे जल्दी से फंगस बिल्कुल नहीं लगते, क्योंकि अगर हमने इसमें नीम खली डाली है, या आपके पास नीम खली नहीं है कोई भी फंगीसाइड है वो भी डाल सकते हैं, तो मैंने तो इन पे कोई फंगस अभी देखा नहीं है, और ना मैंने अभी कोई यूज करा इन पे कुछ भी। तो मैं ज़्यादा क्या करती हूँ इस पे जो ये होता है एलोवेरा, तो मैं उसी का एक जेल बना के इसको पतला पानी करके, मैंने पहले भी बताया आपको, तो वो ही इस्प्रे मारती हूँ, तो उससे कोई फंगस का अटैक भी नहीं। अगर थोड़े बहुत केयरटीज हम इसके फॉलो करते हैं तब तो ये हमारे गार्डन में हमेशा बने ही रहते। तो देखिए इसमें ज़्यादा नहीं है इसके केयरटीज, तो ये जो है बस पानी ज़्यादा पसंद नहीं करता, और इन पे जब गर्मी होती है तब तो हमें इनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, इन पे बार बार पानी का स्प्रे करना पड़ता है स्प्रे बोतल से, तो बस यही ध्यान करना पड़ता है, क्योंकि ये गर्मी में थोड़ा सूखने के चांस होते हैं। तो देखो ये बिल्कुल भी नहीं सूखे, और बरसात में इन्हें पानी से बचाना होता है, पानी में बारिश में नहीं रखना है, पानी तो देना है जब ये सोयल सूख जाती है तभी देना ऊपर भी। तो ये अगर हम ये केयर टिप्स इसके करते रहेंगे तो ये हमारे प्लांट बचे रहेंगे। ये एग्लोनीमा का प्लांट है, मैं इसी को डिवाइड करूँगी, जो इसमें से बेबी जो प्लांट है उसको निकालूंगी, और इसका मैंने सोयल भी तैयार कर लिया है। ये देखो इसकी ये सोयल मैं बताती हूँ, एक पार्ट ये पैरालाइट है, और एक पार्ट ये कंपोज है, और एक पार्ट रेत है, एक पार्ट इसमें सोयल है जो गार्डन सोयल होती है, और दो मुट्ठी इसमें नीम खली है, और एक पार्ट इसमें कोकोपीट का है। तो ये मैंने सभी को इनको मैं मिला लूँगी, अच्छे से मिला के इसको मैं तभी लगाऊंगी। और मैंने ये गमला लिया है, ये देखो, और जो भी आप प्लांट लगाते हैं इंडोर प्लांट या कुछ भी, तो इंडोर प्लांट में तो मैंने ये बड़े बड़े होल कर रखे हैं इसके, में देखो कितने बड़े बड़े हैं, इसमें आते हैं तो इसमें खाली जाली सी होती है उसे तोड़ना होता है। तो ये देखो मेरा पहले से है इसमें होल, क्योंकि मैंने इसमें कुछ लगा भी रखा था प्लांट इसमें, तो अब मैं इसको निकालने वाली हूँ। ये देखिए ये वाला प्लांट मैं इसको निकालूंगी गमले से, पूरा इसे गमले से पूरा ही मिट्टी से निकालना है, पूरा ही निकालना है। तो इसको पहले सॉफ्ट कर लो ऐसे दबा दबा के यहाँ पे, और इसको ऐसे करके, ये पहले सोयल मैंने इसी तरह की जो बता रही हूँ मैं आपको यही सोयल डाली थी, तो ये बहुत सॉफ्ट होती है, तो ये आराम से ये निकल ही जाएगी जहाँ तक है। तो ये देखिए इसको थोड़ा सा अभी नहीं निकल रही, इधर से पीटना पड़ेगा, ये देखो अब निकल गई है, ये देखो पूरा बाहर आ गया है। तो ये देखिए इसमें तो मिट्टी जरा सी भी नहीं चिपकी हुई, तो इसको हम कैसे ध्यान से इसको निकालेंगे प्लांट को, देखो पहले सारी मिट्टी इसकी झाड़ लेते हैं। तो ये देखो बिल्कुल साफ सुथरा, कैसे सुंदर सी इसकी ये अंदर से देखो जड़ें निकली है बहुत हल्की सी, और अब इसको मैं ये देखो बड़े आराम से निकाल लें, देखो कितने आराम से ये निकल भी जाएगी, ये देखो धीरे से इसको देखो थोड़ी मिट्टी सी और हटानी है, और हमने धीरे से इसको निकाल लेना है, ये देखो अभी और मिट्टी छुड़ानी हल्की सी। तो ये देखो ये हमने निकाल दिया पूरा, ये देखो तो ये कितना सुंदर है ये बेबी प्लांट, इसको मैं अलग कर दूंगी, और बाकी को मैं ये इसको उसी में लगा दूंगी जिससे निकाले थे मैंने, ये सारे अलग हो जाएंगे। देखो इतने सारे अगर हमें बनाने हैं तो बहुत सारे तो हम ये कर सकते हैं, ये सबको अलग कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही अलग करना था, एक ही लगाना है, तो मैं इसको अलग करके अभी बताती हूँ कैसे लगाते हैं। अब मैं क्या करूँगी इसमें लगाऊंगी, तो इसमें ये जो होते हैं थर्माकोल के
टुकड़े होते हैं, तो मैं इसको सबसे नीचे, या आपके पास कुछ भी है कंकड़ पत्थर कुछ भी आप रख सकते हैं, तो ये अच्छा लगता है मुझे ये थर्माकोल का। तो एक लेयर इसकी पतली सी मैं इसमें लगा दूंगी, तो इससे क्या होगा, मिट्टी नहीं निकलेगी और पानी पानी ही निकलेगा। और अब मैं इसमें सारे में मिट्टी भर लूँगी, और हमें इतनी मिट्टी भरनी है, अभी सोयल लेनी है, बस अपने प्लांट के हिसाब से लगा के देख लेंगे एक बार इसको। ये देखिए कुछ ऐसे बीचों बीच लगाएंगे, ये देखिए इसके चारों तरफ से मैं इसको फिल कर दूंगी मिट्टी इसमें, देखो आराम से ऐसे करके मैंने बीचों बीच रख लिया इसको। तो देखो कितने आराम से, देखो प्लांट का भी कोई नुकसान नहीं हुआ और प्लांट भी निकल गया और बड़े आराम से निकला देखो, क्योंकि ये सोयल इतनी अच्छी होती जो मैंने बताई, तो इससे इजीली निकल जाता। अब ये देखिए, ये मैंने पूरा नहीं भरना है, बस इतना ही भरना है जहाँ तक, ये यहाँ तक 2 इंच तो कम से कम इसको हमने खाली ऊपर से रखना ये, और इसको धीरे धीरे यहाँ से दबा देंगे। और मैं अभी इसमें पानी नहीं डालूंगी क्योंकि ये थोड़ा सही नमी है, इसमें बहुत हल्का सा ही पानी डालूंगी मैं इसमें, जब इसके ये सूखेगा थोड़ा सा तभी डालूंगी, क्योंकि बरसात इतनी है कि, क्योंकि बरसात की बहुत नमी है इसमें। बस ये हमारा तैयार हो गया, ये देखिए। और मैं अब इसको वापस इसी में रख दूंगी, इसमें थोड़ा सा जो है ये जो होता है हमारा कंपोज, इसमें थोड़ा सा और मिलाऊंगी इसमें मिट्टी में, और थोड़ा सा पल्लाई मिलाऊंगी, और बस इसी में भी इसको वापस रख दूंगी। तो हो गया ना, कितने आराम से हमारा ये तैयार हो गया, लग गया है देखो नया प्लांट हमारे उसमें। तो ये बड़े ही कॉस्टली होते हैं ये प्लांट, तो कितने अच्छे ढंग से हो गया है। मैंने जब इसको ख़रीदा था एग्लोनीमा प्लांट को, तो सिर्फ इसमें इसी तरह आया हुआ था ये एक, और एक छोटा सा बेबी होता। तो ये वाला प्लांट था, देखो मैं दिखाती हूँ, ये वाला मैंने ख़रीदा था। और बाकी जो इसके आसपास जितने भी छोटे प्लांट हैं, बहुत सारे हैं इसमें, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो हमने ये लगा दिया है, और एक ये निकला है, उसके बाद एक ये 2, 3, और एक छोटा सा 4, और एक ये 5। और इसमें बहुत छोटा सा था, इसमें एक चिपका हुआ, एक ये था प्लांट बड़ा वाला, और एक ये छोटा सा था। उस समय मतलब इतना बड़ा प्लांट लिया था मैंने। तो ये देखिए, ये मुझे 350 रुपये का मिला था, कितना कॉस्टली मिलते हैं ये प्लांट। अब मेरे पास इतने सारे हो गए, तो चाहे मैं इसको सेल भी कर दूँ, लोग सेल भी करते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे बूसी प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं। एक गमले में बहुत सारे प्लांट अच्छे लगते हैं, तो उसका लुक बहुत अच्छा लगता है मुझे इस तरह का। तो मैं इसको सबको इसमें लगा दूँगी दोबारा से। तो और ये देखिए, ये अगर मैं बनाना चाहती तो इसमें कितने 6 प्लांट थे, तो इसके 6 गमलों में लग सकते थे, 6 प्लांटर बन जाते इसके, लेकिन मैंने इसको एक को ही इसमें लगाया, ये देखो। तो ये अकेला भी काफ़ी बड़ा सा लग रहा है इसमें, ये देखो कितना अच्छा सा लग रहा है। तो ये डिवाइड करके कितने आराम से इसे हम लगा सकते हैं, और कई सारे हम प्लांट तैयार कर सकते हैं इनसे, तो हुआ ना इजी। और जब हमारे पास ढेर सारे प्लांट इसमें बन जाते हैं बेबी प्लांट, तो हम इसे किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, इतना महंगा प्लांट है ये, तो दे सकते हैं, तो वो भी कितने खुश होते हैं लेते हुए। तो मैं भी इसमें से दूंगी एक प्लांट निकाल के इसमें से। तो ये देखिए, ये 2 मेरे पास हो ही गए हैं। अगर ये देखो, वैसे जल्दी से ख़राब नहीं होता है, इसमें पत्तियाँ बिल्कुल भी इसकी ख़राब नहीं होती, इसीलिए ये इतने कॉस्टली होते हैं। इसकी एक भी पत्ती ख़राब नहीं हुई, ये देखो वैसे के वैसी है। तो ये खूब सुंदर प्लांट होता है, और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और जो ये मैंने सोयल बताई है, ये एकदम लाइट वेट है, तो ये एकदम उठा लेगा कोई भी, जरा सा हल्का सा छोटा सा बच्चा भी इसे उठा सकता है, इतना लाइट वेट हो गया इसके, क्योंकि ये लाइट वेट सोयल पसंद करते हैं ये वाले प्लांट, इस तरह के इंडोर प्लांट जो होते हैं। वीडियो मेरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और पहली बार है मेरे चैनल पर, न्यू है तो सब्सक्राइब भी करें, और लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।